आप जा रहे हैं अब। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो अभी मैं बाहर गई हुई थी, सुबह का टाइम, ये सारे कामों को निपटाना है। अभी कपड़े धोना है, देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हो गए हैं। आज सर्फ साबुन ख़त्म हो गए थे तो वही लाने गई थी सुबह सुबह पहले। और अभी बच्चे घर पर है नहीं तो बच्चे से ही मंगा लेती हूँ। इतनी गर्मी है कि बाल वगैरह झाड़े नहीं हूँ और इसी तरह भी नूरेट लेती हूँ बालों को और बस ऐसे ही रहती हूँ दिन भर। बहुत गर्मी है और जितने भी कपड़े हमने धोए थे सब बाहर से ले आई हूँ और सूख जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं अब। और ये जो खेंद्रा है, बोलते हैं हम लोग गेंद्रा बोलते हैं, सभी को किनारे रखते हैं और अभी सब सेट कर देते हैं। इधर उधर सब सामान बिखरा है, बहुत सारे जो सामान आए हैं वहाँ से भतीजे जो लेकर आया है उसकी साफ़ सफाई किया है। अभी हम सभी चढ़ाए हुए हैं, तीन चार सब्जी मिला हुआ है उसमें। भिंडी था, थोड़ा सा बोड़ा था, थोड़ा सा कुंदरी था। इतना मिक्स सब्जी बना दे रहे हैं क्योंकि कल कहीं मुझे जाना है। कल तीन चार दिनों के लिए सब नहीं रहेंगे तो तीन चार दिनों तक जानते हैं कि गर्मी है, ख़राब सब हो जाएंगे। इसलिए जो बचा खुचा था आज बना कर खा लेंगे, इसके बाद कल हम जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। और गर्मी तो इतना, अभी कूलर इधर लाई, कूलर से थोड़ा सा आराम मिलता है और हवा थोड़ा बाहर का एरिया में थोड़ा सा आज नहीं चल रहा है उतना, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का चल रहा है। और इसलिए अभी और मंगलसूत्र ये देखिए टूट गया तो इसी भी लाने जाना है। कल पहन के क्या जाएंगे, इसको जा रहे हैं अभी थोड़ा सा बाजार जाएंगे। सूती वाले ब्लाउज हमने खरीदा था, पीस खरीदा था तो वही सब पीस सबको देना है दुकान में सिलवाने के लिए, क्योंकि नहीं देंगे तो फिर आने वाला है सावित्री व्रत फिर। और इतनी गर्मी है ना कि एकदम फ्री कॉटन तो पहनने का मन ही नहीं करता, तो सूती ब्लाउज हमने सिलवाने के लिए देना है मुझे। तो अभी सोच रही हूँ जल्दी से खाना बना ले और इसके बाद थोड़ा सा दुकान चले बाज़ार चले जाएँ और दे देते हैं। टमाटर भी हमने इसमें डाल दिया है, ढेर सारा टमाटर आज डाल कर बना दे रहे थे में। प्याज भी है, आलू भी इसमें डाला है थोड़ा सा। और हस्बैंड जी घर पर नहीं है और तीन चार दिनों के लिए रहेंगे भी नहीं, पटना में ही गए थे गाड़ी लेकर तो घर लिया है इलेक्शन में, तो अभी वही रहेंगे तीन चार दिन, एक तारीख के बाद ही आएंगे। और आदित्य के साथ वो बोल दिए थे कि जाने के लिए हमको, तो इसलिए आदित्य के साथ कहीं भी जा रहे हैं तो आदित्य के साथ ही जाएंगे। और ये है अभी खाना पीना, मतलब खाना हो चुका है, बज गए हैं 7 और जा रही हूँ दुकान, रात के 7 बज गए हैं। और ये ब्लाउज हम पीस लेकर, ब्लाउज का पीस हमने ख़रीदा है, ये देखिए 7 पीस हैं मैंने ख़रीदा है, ये देखिए हर कलर का, क्योंकि साड़ी तो बहुत सारे हैं लेकिन उस पर जो ब्लाउज होता है ना सब चिरक गया है, मतलब उसका जो ख़राब हो गया है सब, तो इसलिए सोच रही हूँ इसलिए हमने ये लिया है ब्लाउज का पीस और यहाँ पर दे देंगे सिलवाने के लिए। यहाँ दुकान में आ गई हूँ और गर्मी में तो कुछ सिंगार वगैरह कुछ करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही आ गए हैं बाहर निकल के, बगल में ही है दुकान। और गर्मी में सूती ब्लाउज पहनो तो थोड़ा आरामदायक भी रहता है।
गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हैं आप सभी। अभी 10:30 बज रहा है अभी, और अभी उठ गई हूँ, जा रही हूँ स्नान करें, बहुत गर्मी लग रही है। पहले स्नान करेंगे, इसके बाद तैयार होंगे। साढ़े तीन बजे उठा है, स्नान हुआ है, सारा श्रृंगार हमने किया, हल्का साड़ी हमने पहना है, जाना ट्रेन पर जाना है, बहुत गर्मी लगेगी। और अभी तैयार वार होने के बाद सभी बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, अब भतीजा भी जाने वाला है घर। मैंने ही रुका दिया था इसे 2-4 दिनों तक, क्योंकि मुझे भी जाना था गया। तैयार हो गए हैं, अब निकलने वाले हैं। आदित्य मेरे साथ जा रहा है और बस भतीजा एक है। अब पसीना से तो दम श्रृंगार कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पसीना इतना चूरा है कि श्रृंगार कर नहीं सकते हैं। सिंपल सा तैयार हो गई हूँ, सिंपल सा साड़ी पहनी हूँ, जो घर में यहाँ पर कभी कभी पहनती थी वही साड़ियाँ पहनी हूँ, क्योंकि इतना गर्मी है ट्रेन में और गर्मी लगेगी, इसलिए ज़्यादा कुछ टांग हम बिल्कुल भी नहीं है, तैयार होने में बंद भी नहीं किया है। बज गया है 4:30, 4:30 बजे से निकलने जा रहे हैं। सुबह सुबह का हवा तो अच्छा लगता है, जंक्शन हम लोग पहुंच गए हैं पटना जंक्शन। अभी हम लोग 1 घंटा पहले ही पहुंच गए हैं स्टेशन, और अभी हम लोग बैठे हुए हैं, 1 घंटा बैठेंगे, इसके बाद ट्रेन आएगी। पहुंच गए हैं मायके, और साथ में बहन भी आई थी वहां से, साथ हम दोनों प्लान बनाकर आए हैं मायके, 2-4 दिन रहेंगे यहां पर, इसके बाद चलेंगे। और ऊपर वाला ऊपर तल्ला जो है अभी उठ रहा है, मतलब काम लगा हुआ है। मम्मी के पास ऊपर घर उठ रहा है हम लोगों का।
छोटा डिब्बा रोली में रखा रहा है इतना एक फीट के हाँ एक आधा एक बिता के रहा है कि हम बाथरूमों में लगवा ली है इधर इधर साबुन रखे लगे करके तो खाली यही अलमारी वा आई वो जल रहता है ठीक तो है ऐसे ही ठीक हो गए छत पर जा रहे नीचे जैसा लगा ना हलाओ जैसे ऊपर हूँ लगी था उदम वैसे नहीं है ये उठल ये जा पर थोड़ा सा छोटा सा खिड़की दिल है लगाई कि पीछू मुन गवाह हो गई है अरे ये रेता नहीं सुने नहीं होलेगी क्या है रेलिंग दिया थे आगे में हर चलते रेलिंग लगा इसलिए साइड रहो अब पानी का टेस्ट कैसा लगा है बहुत बढ़िया लाते हैं ना तो खत्म हो जाएगा पूरा चरी के है चरी वाला देख हम भला डेली कपड़ा ना धोबे लेबर लोग डेली के डेली कपड़े धो के पसार के अच्छा लेबर हाँ अपनी को डेली नहा रहे डेली नहा अब बुढ़ावा तो लास्ट में एकदम मेकअप करी रही है घंटा क्या बना रही है चाय बना रहे रस पर चाय पीने के लिए ना डर आई सही में हाँ तो ठीक हो बड़ी गंदा है मेरे प्रसाद में घुमरी कुछ दिन बाद ऐसे मैया रहा है अरे ऊपर देना वो अपने नीचे चल जाते भीतिया पर से देना भीतिया पर से यहाँ से वहाँ तक सोते वहाँ तक दे थोड़ा बात ना पड़ा होती नीचे मुझे दे पानी जमीनी से ना गिरना चाहिए पानी वहाँ से ना गिरना चाहिए चापल भर याद है डाल रही है पहुँच जाएगा लेकिन देख कर ज्यादा पानी करना लगे
एक और बच्चा नहीं है बस बस बस।